जहाँ से भी लेके कबूतर अच्छा लेके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाइपलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में नेटवर्क की कुछ खराबी की वजह से दोबारा से आपकी खिदमत में आए हैं। उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब जो कि कराची का एक ऐसा नाम है कि जिसके बगैर जो है कराची की कबूतर फरवरी जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल है, तो उनके कबूतर आप जो पाएंगे और इस वक्त हम उनके जो मेन ब्रीडिंग सेटअप में मौजूद है, तबीयत की नासाजी की वजह से अगर आपको थोड़ा सा कुछ जोश कम लगे तो माजा चाहूँगा, लेकिन उनके कबूतर आपको जरूर दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार बड़े जबरदस्त कबूतर है माशाल्लाह। ये नहीं यार, नहीं नहीं वो उसकी बात करो जी। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी, मैं कहता हूँ जी बहुत आला बाबा साहब जी। अच्छा अहमद वारिस साहब जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि ये देखिए कैसा जबरदस्त कबूतर है, दिखाएं जरा, दिखाओ भाई। नहीं आएगा तो बता, कह रही थोड़ी है भैया, ये देखिए मादा इसके साथ लगी हुई है। नहीं आ गया, आ गया, आ गया, चल गया, आ गया, वो जरा प्रॉब्लम आ गई थी, वो विंगल गिर गई या हवा में बहुत प्रेम। ओके आ जाए, आ जाए बर्गिया जी, आप क्या कह रहे हैं जी इसमें नुमान? वो वाला ले आता है नहीं, वो मादी में देखिए कैसा कमाल पर है, इसमें कसूरी वो कहते हैं कि इसमें कसूरी पर है, ये आर भाई के पास कमाल कबूतर है, पता ही नहीं चलता ऐसे कमाल की, ये होता है ब्रीडिंग करने वाले ये लोग हैं असल। असल ना रात का टाइम है मीर साहब, अख नूं पूरी तरह तुसीं देख नहीं सकते, जो सूरज की रोशनी के बीच है ना, हूँ तो इस टाइम तो हूँ गौर ना वेख्या ना, तो लाल डोरा आ गया, मगर असीं तो इन्हां नूं ओही कहांगे नहीं। वो पता है कि आरिफ भाई ने जो वो कसूरी डाले ना, उनमें भी कहीं ना कहीं सियालकोटी डाले होंगे। नहीं नहीं ये बब है ही सियालकोटी मसल उनके जो है। मैं आपको बताऊँ, ये जो मादा है ना, इसका बाप ये है, ये मेरे घर का है, ये मादा बाहर की है, जूस में फिर उसे अलकोटी है, इसमें भी है एक मिनट, इसमें ओ दे रहा कैमरा, कैमरा ये मादा फोटो ले, हाँ इसमें है, तो इसकी ये पट्टी है, ये एक पट्टी है जोड़े की, और नर पट्टा वो उससे मिलाया होगा ना। ये कहाँ से आया जी? बर्गर ये बहुत अच्छी बनी हुई है, अलमारी में मिला है, अलमारी वाला कैमरा भी बड़ा वाला लेके आओ, जगह कम है, अकल के बेताज, थोड़ा सा सेटअप की और तीन चार कबूतरों की ना बाद में बना ले जरा, ये फ्री हो जाए ना, ये देखिए अरे यार भाई देखें कैसे क्या हो गया यार, आप ऐसे बैठेंगे ना चुप चुप मजा नहीं आएगा। ये देखिए मादा लगाई, बोले तो था नहीं नहीं अरे यार की हो गया, ये देखिए माशा नहीं तो बोले तो क्या हो गया, की थी फोटो भी वाली, हां कॉपी वाली पट्टी भी और वो जो पट्टा है ना, अच्छा डो यार आशे जो पहले देखा, अच्छा यार बहुत आला जी माशाल्लाह, पर कितना बेहतरीन सनी भाई जी, कराची के कबूतर कैसे लगे आपको? बहुत अच्छी बात, मुझे तो बहुत पसंद आए, मैं तो दोबारा अंदर से दोबारा सियालकोटियों का जुनून चढ़ रहा है, शौक हो गया है अब, इसका मतलब है आपके टेडियो में सियालकोटी आने वाले हैं, आने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। सनी क्रॉस ब्रीड है, इसलिए आपको दिखाया कि मैंने कहा कि आपको बताओ कि किन में का है, हां ये पूछ रहा था, मादी आप कह रहे थे कि सोना सुकून की तलाश में, मतलब इसलिए मैं जा रहा था, सही हो गया, लेकिन क्या खिलाया जा रहा था, मान तो भेज देता हूँ, नहीं वो लड़का है मेरे पास, क्या करना मुझे बताओ, मैं दिखाता हूँ यार, आप कोई फोटो शोटो ले लिया? हाँ यहाँ पे वो कैमरा एक लेना, ये पड़ा बड़े जी, ये सेटअप देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये
ये उनका रूम जो चेक कर बच्चा, ये उनका टेरेस है घूमने फिरने के लिए। कैसी क्लास आर्य भाई ने बनाई है। और ये एक दो तीन चार पाँच 25 खाने हैं और ऐसा सिमेट्री में जो है बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है। इसके बाद अगर इनको बाहर निकालना, धूप भी इनको मिलती है, ये बंद नहीं रहते। आप लोगों को ये तजस्सुस होगा, ये बंद कमरे में रहते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ से ये बाहर चले जाते हैं और धूप वगैरह इनको लगती रहती है। ये बड़े ज़बरदस्त जो सनी भाई अपनी हाइट का फ़ायदा उठाते हुए, हाँ ये देखें ना, और जाल भी बड़े ज़बरदस्त और खूबसूरत सेटअप है। ये तो आ जाए नीचे बस मेहमान पड़ा। ये बड़े आला किस्म के कबूतर, ये देखें जी सेटअप इतना खूबसूरत, स्लाइड है सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है का स्लाइड है। अरे भाई ये कितना साइज़ है? मैं इधर नाल निकल ले। ये मेरा ख्याल से 18 इंच है या 20 इंच, गहराई डेढ़ फुट और डेढ़ फुट, डेढ़ बाई डेढ़, और ये मेरा ख्याल 1 फुट है, ये 1 फुट ही है। कैसी जबरदस्त बनी हुई है। ये यहाँ पे ब्रीडिंग बड़ी अच्छी होती है जी, ये डेढ़ और एक बहुत खूबसूरत काम के जनाब कासिम नंबरदार साहब, देखें आप खूबसूरत काम और बड़ी जबरदस्त शानदार कबूतर है। अभी एक निकली हुई बच्चों की, बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे और बहुत ही जबरदस्त अंदाज से जो इन्होंने ब्रीडिंग की है। पसीना बुरी तरह आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे जरूरत है वीडियो बनाने की। आ जाए बाबू भाई इधर, ये क्योंकि वो जरा वहाँ पे मसरूफ थे तो मैंने सोचा मैं एक कबूतर दिखाऊँ आपको खुद से। ये देखें 125 लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया जो रात को इस वक्त आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। ये भी घर का है अरे भाई जी, ये वाला जी ये यहाँ से नर भी घर का है, मादा भी घर की। पंचे देखें कितने खूबसूरत, सॉरी किस तरह से लगाए हुए उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब के कबूतर आपके सामने, क्या बात है। ये नहीं मुझे पता क्या है, मुझे इस तरह से क्या लोग हैं। ये मैंने क्रॉस में लगाई क्योंकि पट्ठों की माँ थी ना, वो अंडों से रुक गई थी, मैंने ये नई पट्ठी बाहर अलग जोड़ी दूसरे जो बहुत है। किसने सलमान खान कबूतर बहुत मस्त। ये भी वो अंबाले में निकल आएंगे, मैं कहता हूँ इनको अंबाले वाला, वही है ना जो लास्ट हमने देखा था जब एक हुआ करता था। बिल्कुल ये नारो हो गया, ये नारो ये समाधान आएगा दोनों दान आ के डाल दिया जी। सर जल्दी आ रहे हैं वापस, देखिए माशाल्लाह कैसा कबूतर है, बहुत ही चौके सा और खूबसूरत सा, ये थोड़ा और खावा बहुत है बढ़िया। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो इस
सुख का सेगमेंट है, पसंद आया होगा। रात के इस पहर में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मंथली हाई प्लैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में उस्ताद आरिफ अहमद खान की जरूर मिलेंगी यूट्यूब पर। यूट्यूब कामरान अब्बास नकवी के नाम से मेरा चैनल है और इस वक्त हम यहाँ पे उनके साथ मौजूद थे। इनका हम आरिफ भाई का बहुत शुक्रगुजार हैं, इस वक्त उन्होंने टाइम दिया हमें और अपनी कबूतर दिखाए। थैंक यू वेरी मच आरिफ। और उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब के इस खूबसूरत सेटअप और ज़बरदस्त कबूतरों के साथ इस वक्त हम इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि आपको हाई डेफिनेशन वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी और वो अभी नुमान और सनी भाई जो बनाएंगे, तो ये मज़ीद जो हम बातचीत करेंगे वो बाद में करेंगे। उस वक्त तक हमारे साथ